हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम शेप को इंसर्ट करना और उससे रिलेटेड ए टू जेड सारे शेप टूल्स को सीखेंगे। अगर आप ये सारे टूल्स सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो का टॉपिक है इंसर्ट शेप एंड शेप टूल्स इन एमएस वर्ड और ये है वीडियो ट्यूटोरियल लेसन नंबर 19। वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे मेरा कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल मिस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, शेप को इंसर्ट करने का जो हमारा ऑप्शन होता है वो इंसर्ट टैब में ये क्लिप आर्ट से नेक्स्ट ऑप्शन होता है। इसमें आपको एक छोटी सी डॉट दिख रही होगी, एरो का सिंबल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारी शेप्स आ जाती हैं। ये शेप्स हम ज़्यादातर किसी डिज़ाइन को बनाने के लिए या फिर कोई भी फिगर बनाने के लिए उसके लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग तरह की शेप्स कैसे काम करती हैं और उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। नॉर्मली आप इनमें से किसी भी शेप को क्लिक करेंगे और यहाँ पर एमएस वर्ड की शीट पर इसको बनाएंगे तो यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स आएंगे इसके चारों तरफ और एक अलग से ग्रीन कलर का पॉइंट आएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स जो हैं चारों तरफ जो आ रहे हैं ये ब्लू कलर का या वाइट कलर का कैसे भी हो सकता है, इन पॉइंट्स से आप शेप की जो साइज़ है वो सेट कर सकते हैं। तो शेप का साइज जो भी आपने करना है इन पॉइंटों को क्लिक करके आपने लंबाई चौड़ाई जैसे भी बढ़ानी है वो बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको लंबाई चौड़ाई को दोनों साइड से एक साथ बढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी कॉर्नर वाले पॉइंट से आप इसको छोटा करेंगे तो ये उसी रेशो में दोनों साइड से छोटा होगा। तो ऐसे करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और जो ये ग्रीन कलर का पॉइंट है इसको क्लिक करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने से क्या होगा, ये आपका ऐसे शेप को आप टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, जैसे भी अगर आपको स्टेबल लगे वैसा आप इसको शेप को कर सकते हैं। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ बैक। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन अभी मैं इस शेप को डिलीट कर रहा हूँ और फिर से हम जाते हैं इंसर्ट में शेप में। अगर आप कोई इनमें से शेप लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाली शेप ली, फॉर एग्जाम्पल ये है डोनट, तो इसको क्लिक करके जैसे आपने शेप को ड्रा किया तो आप देखेंगे इसमें यहाँ पर तीन तरह के पॉइंट्स आए हैं। एक तो ब्लू कलर के जो साइज को छोटा बड़ा करने के होते हैं, जैसे उस पर क्लिक करके आप साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, और एक है ग्रीन कलर का पॉइंट जिससे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, और एक आपने यहाँ पर देखा कि एक येलो कलर का पॉइंट आ रहा है, येलो कलर के पॉइंट से आप शेप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करके इसको छोटा कर रहा हूँ तो इसकी शेप का जो स्टाइल है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो आप इस येलो कलर के पॉइंट से क्लिक करके और शेप को कैसे भी चेंज करना चाहें वैसा कर सकते हैं। इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, क्लिक करके और डिलीट। उसके बाद फिर इंसर्ट में गए, फिर शेप में गए, इसके अंदर यहाँ पर ये शेप है, फिर उसके बाद ये एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें आप कुछ टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आपने यहाँ पर ड्रैग किया तो इसके अंदर एक कर्सर आ जाएगा टाइप करने के लिए और आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। ठीक है, ऐसे करके आप कुछ भी टाइप करना चाहें टाइप कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग करनी है आपने तो सेलेक्ट करके इसको होम में जाकर और यहाँ से साइज बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ बैक। उसके बाद तो ये तो था कि सिंपल शेप होगी, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स हो गया। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई शेप लेते हैं तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा उसके येलो कलर के पॉइंट से। ऐसे ही मान लीजिए एरोज हैं, ठीक है, एरो में भी आप ऐसे क्लिक करके कोई भी एरो बनाएंगे तो उसमें भी येलो कलर का एक पॉइंट आएगा, उससे आप इसको शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने ऐसा बनाना है शेप या ऐसा बनाना है और इसको आप यहाँ से साइज को छोटा करेंगे तो एक स्मॉल एरो भी बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो किसी भी तरह का आपको फिगर बनाना है या फिर जो शेप बनानी है वो आप यहाँ से मॉडिफाई करके येलो कलर के पॉइंट से वैसा बना सकते हैं। उसके बाद कुछ इसके अंदर शेप्स होती है लाइन वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइन्स हैं बहुत सारी, जैसे कि ये जो लाइन है ये है फ्री फॉर्म। ठीक है, इसके ऊपर आप पॉइंटर ले जाएंगे किसी भी शेप के ऊपर तो ये उसका नाम दिखा देता है। फ्री फॉर्म पर क्लिक करके आप पेंसिल की तरह इसमें कैसे भी ड्रा करके और जहाँ पर आपने स्टार्ट किया था वहाँ पर मिला देते हैं, या अगर नहीं भी मिलाते हैं तो क्लिक छोड़ने से आपकी वो शेप बन जाएगी। ठीक है, ऐसे तो इसको आप कैसे भी यूज करना चाहें, फ्री फॉर्म टूल होता है ये शेप का। इसमें इंसर्ट में हम फिर गए, फिर शेप्स में गए, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें
स्क्रिबल, स्क्रिबल से क्या होता है, आप क्लिक करके ऐसे लाइन जैसे फ्री फॉर्म में करते थे वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप क्लिक को छोड़ेंगे, उसमें तो क्या था कि आप वहां पर मिलाते हैं क्लिक को या डबल क्लिक करते हैं, तब वो लाइन रुकती है। इसके अंदर आप लाइन जैसे भी बनाना चाहे बना के, और जब आप क्लिक छोड़ेंगे तब ये ऑटोमेटिक शेप बन जाएगी या लाइन बन जाएगी। तो इसमें आपको क्लिक छोड़ते ही शेप बन जाती है, उसमें आपको डबल क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद ये आर्क है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से क्लिक करके ऐसे एक आर्क बना सकते हैं। एक बार आपने क्लिक करना है और जहाँ तक ड्रैग करना है वहाँ तक करके और क्लिक को छोड़ेंगे तो ये शेप बन जाएगी। इसके अंदर भी दोनों येलो कलर के पॉइंट आ रहे हैं, इससे आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं जब आपका येलो कलर पे ऐसा पॉइंट रहेगा। अभी देखिए ऐसा आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं येलो कलर के पॉइंट पे ले जा रहा हूँ तो ऐसा सिंबल आ रहा है पॉइंटर का, तो उसको आप इसको क्लिक करके ऐसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको क्लिक करके और इसको क्लिक करके जैसे चेंज कर रहा हूँ मैं, इसको मैंने क्लिक करके छोटा कर दिया, या फिर मैं इसको क्लिक करके ऐसे बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको लाइन को आर्क को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया है। उसके बाद फिर एक और यहाँ पर है जैसे कर्व दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करके फिर यहाँ क्लिक करके जहां पर भी आप क्लिक करेंगे इसको आप ऐसे गोल मोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं क्लिक क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जैसी भी शेप बनानी है आप बना सकते हैं। फिर इसको जहां पे आपने स्टार्ट किया था वहां पर अगर मिला देंगे इसको तो ये शेप बंद हो जाएगी, और फिर इसके ऊपर आप जो फॉर्मेटिंग करना चाहें कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद ये है, जैसे ये लेफ्ट ब्रेसिस है, इसको क्लिक करके आप ऐसे एक ब्रैकेट सी लगा सकते हैं, तो इसके अंदर भी आपको येलो कलर के पॉइंट मिलेंगे जिससे आप इसको नीचे या ऊपर ऐसे सेट कर सकते हैं। जो भी शेप में येलो कलर के पॉइंट है उनसे आप कुछ ना कुछ इधर उधर सरका के और मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ और शेप्स हैं फ्लो चार्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। इनके सबके ऊपर ना जैसे टाइटल लिखे हुए हैं तो बेसिक शेप होती हैं, फ्लो चार्ट होता है या एरो होती हैं, वो आप कोई भी शेप इनमें से ले सकते हैं। ये कुछ यहाँ पर कॉल आउट्स के शेप्स दिए हुए हैं जो कि आपने कभी कॉमिक्स बुक्स में देखा होगा या बुक्स में मैगजीन्स में देखा होगा कि ऐसे ये एक एडवर्टीजमेंट वाले पेज पे भी ऐसे बना देते हैं कि एक बंदा बोल रहा है और आप यहाँ पर कुछ भी मैटर टाइप कर देंगे तो ऐसे लगेगा कि ये जो है ना एक कॉल आउट है, यानी कि वो बोल रहा है। तो कॉमिक्स में और ज़्यादातर मैगजीन वगैरह में, कार्टून में, उनमें इसका यूज़ करते हैं। वैसे एडवर्टीजमेंट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका भी पॉइंट ऐसे ही, आप इसको कहीं पर भी ऐसे मूव कर सकते हैं, तो जो आपने जैसे भी शेप बनानी है इसकी वो बना सकते हैं। इसका मेन काम होता है बस किसी का बोलता हुआ दिखाना कि ये पर्सन बोल रहा है, और ये एक शेप होती है जिसके अंदर टेक्स्ट होता है। इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टार एंड बैनर्स दिए हुए हैं, तो आप इनमें से कोई स्टार भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे कुछ दिखाना है, लिखा हुआ कि आज का ऑफर ये फ्री है, या फिर कुछ भी जैसे एडवर्टीजमेंट में आप देखते हैं कि बम्पर धमाका या सुपर डिस्काउंट या इस तरह की कोई भी बात है, वो इसके अंदर आप लिख सकते हैं। अब इस शेप में जैसे कि हमने स्टार तो बना दिया है, लेकिन इस शेप में ना हमारे कोई टेक्स्ट लिखने के लिए कर्सर नहीं आया, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हमको लिखना है किसी भी शेप के अंदर, कोई भी शेप हो, अगर उसके अंदर कर्सर नहीं है, उसके अंदर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप उस पर राइट क्लिक करके और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका कर्सर जो है इसके अंदर आ जाएगा, फिर उसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिमिटेड ऑफर, ठीक है, लिमिटेड ऑफर जैसे कईयों में लिखा होता है, इसको आप सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा कर सकते हैं और इसको सेंटर में कर सकते हैं कंट्रोल ई से। तो इस तरीके से कोई कलरफुल बना के ना, ऐसा कोई मतलब आपने शेप बनानी है तो वो बना सकते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग तरह के जो बैनर है उसमें यहाँ पर लिखा होता है, जैसे कि ये दिखा रहा है एक्सप्लोजन 2, इसमें जैसे ये 5 पॉइंट स्टार है, ये 4 पॉइंट स्टार है, ठीक है, ये यहाँ पर नंबर भी लिखे हुए हैं कुछ, 16 पॉइंट स्टार है, 24 पॉइंट स्टार है, तो इसका मतलब है इसमें 24 जो है कॉर्नर होंगे। तो अलग अलग इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं शेप। जैसे मान लीजिए मुझे एक पोएम लिखनी है तो मैं ये वाली शेप ले सकता हूँ, ठीक है, इस शेप में कलर दे देंगे हम बाद में, मैं आपको बताऊंगा कलर कैसे अप्लाई करने। इसमें भी येलो कलर का पॉइंट है तो इससे आप इसको थोड़ा ऐसे बना सकते हैं बड़ा सा, या थोड़ा छोटा बना सकते हैं ऐसे। और फिर इसके अंदर अगर आपने लिखना है तो वही राइट क्लिक करके शेप के ऊपर और ऐड टेक्स्ट इसमें आप टाइप कर सकते हैं। इसमें ऐसे टाइप हो रहा है, इसकी डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्लिक करके, डिलीट। तो ये थी आपकी कुछ शेप्स जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जब हम आगे इसके टूल्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप शेप को कैसे अलग अलग तरीके से
एडवर्टीजमेंट में या फिर कोई अपना पेज जो आप बनाना चाहते हैं, कोर्सेज की डिटेल दिखानी है, कुछ भी बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। अब इन शेप्स में जिस पे भी किसी पे भी आप अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। सबसे पहला है लोक ड्राइंग मोड। तो लोक ड्राइंग मोड का मतलब क्या होता है कि अगर आप बार बार वही शेप बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बार बार ना ये एरो की शेप बनानी है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके लोक ड्राइंग मोड कर दूंगा। सबसे पहले मैं इसको बिना मतलब ऑन किए आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए अभी मैंने यहाँ से एरो लेके और बनाया, बनाने के बाद जो मेरा ये माउस का पॉइंटर है ये टेक्स्ट वाले पॉइंटर में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इससे दोबारा से वो शेप नहीं बना सकता, दोबारा से मुझे शेप बनानी है तो मैं क्या करूँगा, या तो इंसर्ट में शेप में यहाँ पर दोबारा जाऊँगा, ठीक है। जैसे कि मैं दोबारा वही शेप बनाना चाहता हूँ तो मुझे बार बार क्लिक करना पड़ रहा है, बार बार क्लिक करेंगे तो ही वहाँ से हम शेप को क्लिक करके यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि यदि ड्राइंग मोड अगर लॉक नहीं है तो आपको बार बार वहां पर जाकर और शेप बनानी पड़ेगी, नहीं तो शेप पे जब आप डबल क्लिक करते हैं तो ऊपर यहाँ पर ड्राइंग टूल्स आते हैं जिसमें फॉर्मेट टैब खुलता है और यहाँ पर आपकी शेप्स दिख जाती हैं वो सारी। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे वो सारी शेप आपको यहाँ पर दिखेंगी, तो आपको यहाँ पर बार बार क्लिक क्लिक करके ऐसे शेप बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली शेप लॉक हो जाए, यानी कि आप बार बार कई शेप्स ऐसी ऐसी बनाना चाहते हैं, तो आप उसको ड्राइंग मोड को लॉक कर सकते हैं। तो शेप में मान लीजिए मैंने इसी शेप को बनाना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करके लॉक ड्राइंग मोड कर दूंगा। अब ये लॉक हो गई है, यानी कि अगर मैं इसको एक बार बना रहा हूँ तब भी मेरा जो ये माउस का पॉइंटर है ये शेप बनाने के लिए ही बना हुआ है। तो मैं इसको दोबारा से ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ, मुझे बार बार वो शेप सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बार बार उस शेप को क्लिक नहीं करूंगा, तो ड्राइंग मोड लॉक करने से आपकी वो शेप लॉक हो जाती है और आप उसको एक ही बार में क्लिक करके और फिर बार बार बना सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका लॉक ड्राइंग मोड। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है, आप किसी भी शेप पे राइट क्लिक करेंगे तो ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार। ये मैं आपको पहले भी कभी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि क्विक एक्सेस टूल बार होता है हमारा यहाँ ऊपर, ठीक है। अगर आप ये शेप वाला ऑप्शन जो है पूरा ये आप वहां पर एक बटन के तौर पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे ही आप इस पे ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से यहाँ पर आपका ये बटन शेप वाला ऐड हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन आपका यहाँ क्लिक करने से आ रहा था अब वो ऑप्शन उस बटन पे क्लिक करने से आएगा। इसका फायदा क्या होता है, आप चाहे किसी भी मेन्यू में या किसी भी टैब में हो, यहाँ पर इंसर्ट में हो चाहे होम में हो, तो आपको बार बार इंसर्ट में शेप में जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी इसमें से टैब में से किसी भी ऑप्शन पे राइट क्लिक करके, जैसे इस ऑप्शन को राइट क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो आप किसी भी बटन को किसी भी ऑप्शन को क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं ताकि आप उसको क्विकली एक्सेस कर सकें, तो इसलिए इसका नाम रखा हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां से आप शेप बना सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है आपका। अगर आप वो वहां से ऑप्शन हटाना चाहते हैं तो आप उस पर राइट क्लिक करके और यहां से रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे तो यहां से वो बटन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन था आपका ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये थी आपकी शेप्स और ये थे हमारे राइट क्लिक करने से जो दो ऑप्शन आते हैं। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आता है यहां पर, न्यू ड्राइंग कैनवस। अब ये न्यू ड्राइंग कैनवस का मतलब क्या होता है, कैनवस का मतलब होता है एक जगह जिसके ऊपर आप ड्राइंग बना सकें। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ना एक ऐसा बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर ऐसे लाइंस बनी होंगी ब्लैक कलर की, ठीक है, चारों तरफ। तो उससे आप इसको थोड़ा क्रॉप कर सकते हैं। तो ये लाइंस जो है ये आपका कैनवस का साइज छोटा नहीं कर रहा, ये कैनवस का एरिया दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको राइट क्लिक करके यहां से स्केल ड्राइंग क्लिक कर देंगे तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं पॉइंटों से, ठीक है। अगर आप इसको राइट क्लिक करके स्केल ड्राइंग ऑफ करेंगे तो ये क्रॉपिंग वाले सिंबल आ रहे हैं, जो ये ब्लैक लाइन वाले सिंबल है ये क्रॉपिंग के सिंबल है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी शेप आप बनाते हैं तो ऊपर ड्राइंग टूल्स में या फॉर्मेट वाला टैब खुल जाता है, इसमें हमारे होते हैं सारे शेप्स के टूल्स। तो यहां पर मैंने मान लीजिए मैंने यहां पर एक सर्कल ले लिया, ठीक है, इसको मैंने कैनवस के अंदर बना दिया। एक यहां पर मैंने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, इसको मैंने यहां पर बना दिया। तो क्या होगा, इसको मैं कितना भी काट कट कर लूं यहां से, जैसे मैं यहां राइट साइड वाले इस क्रोपिंग वाले पॉइंट से हटा रहा हूं इसको, तो ये हट नहीं रहा, ठीक है, ये वहां तक आएगा जहां तक शेप बनी हुई है। यानी कि हम इसको शेप को पूरा पूरा यहां तक कट कर सकते हैं, जैसे इधर से मुझे काटना है इतना, ठीक है। ऐसे करने के बाद आप इसको ना पूरे को कहीं पर भी इसकी बाउंड्री पे, जो आपका कैनवास है इसकी बाउंड्री पे क्लिक करके उठा के ले जा सकते हैं। लेकिन अभी ये टेक्स्ट मोड में है तो इसको हम यहां पर
आपका फॉर्मेट टैब में ऊपर जो टेक्स्ट ट्रैपिंग का ऑप्शन आता है, इसमें हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, जो कि मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में काफी बार बताया है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने से आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। मूव करने से क्या होगा, जो आपका ये शेप्स हैं ये आपकी इसके साथ ही रहेंगी, यानी कि ग्रुपिंग रहेगा इसका, तो आप इसको कहीं पर भी उठाकर ले जा सकते हैं। अब जब इसको हम बनाते हैं, तो अभी आपने देखा कि मैं यहाँ से क्रोपिंग वाले पॉइंट से इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ, तो ये बस उसका एरिया बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, यानी कि उसका साइज बढ़ा नहीं रहा ना ही कम कर रहा है, बट उसका एरिया बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज बढ़ाओ तो आपको वही ऑप्शन करना है, राइट क्लिक करके और स्केल ड्राइंग, स्केल ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो बड़े छोटे करने के पॉइंट्स आ जाएंगे, तो आप इस पर क्लिक करके ऐसे इसको बड़ा करेंगे कैनवस को, तो उसकी जो शेप्स हैं वो भी बड़ी होंगी। और इसका एक फायदा है कि जैसे आपके यहाँ पर इसमें शेप्स में कनेक्टर होते हैं कुछ, ठीक है, जैसे ये कनेक्टर लाइंस हैं, तो आप इसमें से भी जैसे कनेक्टर लाइन देख लेते हैं हम कौन सी है, जैसे ये कनेक्टर लाइन है, ठीक है, ये बता रहा है एल्बो कनेक्टर है ये, ठीक है, और ये वाला कौन सा है, एल्बो एरो कनेक्टर। अब मान लीजिए एल्बो कनेक्टर को मैंने क्लिक किया और मैं यहां पर ये जो आपके शेप्स है ना इनमें पॉइंट्स आ जाते हैं, तो इस पे मैंने पॉइंट पे किसी पे क्लिक करा और यहां पे इसके ट्रायंगल के भी पॉइंट्स हैं, बीच में आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ऊपर कनेक्ट करना चाहते हैं या साइड में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इस पे अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे ऐसे तो ये दोनों का लिंक हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा छोटा कर देता हूँ समझाने के लिए सिर्फ, तो आपने देखिए इसको छोटा किया तो उस वो जो पॉइंट है वो उसके साथ लगा हुआ है, उसके साथ अटैच हो गया है। आप इसको शेप को कहीं पे भी ले जाएंगे तो ये ना उसके साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक है, लेकिन नॉर्मल। अब मैं कैनवस के बाहर आपको शेप बना के दिखा रहा हूँ नीचे थोड़ा। अब मैंने दोबारा से वही शेप्स ली, मान लीजिए मैंने यहां से सर्कल ले लिया, ओके, और एक ट्रायंगल ले लेते हैं और फिर वही से कनेक्टर ले लेते हैं यहां से एल्बो कनेक्टर। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि इसको हम ना कनेक्ट नहीं कर सकते, अगर मैं इस पर क्लिक करके और यहां इसको ट्रायंगल को कनेक्ट कर रहा हूं तो ये कनेक्ट नहीं होगा, देखो ये अलग अलग मिलेंगे आपको। अब देखिए इसको अगर आप कहीं पर भी कनेक्ट कर लीजिए, इसको मैं क्लिक करके इसके साथ अटैच कर रहा हूँ और इसको भी मैं यहाँ से इसको उठाकर इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, लेकिन ये अटैच नहीं हो रही है, तीनों ना अलग अलग है। ठीक है, तो कैनवस का एक फायदा ये भी होता है कि आप उनको ना इकट्ठा कनेक्ट कर सकते हैं, कोई फिगर या कोई आपने डायग्राम बनाना है तो उसके लिए, तो डायग्राम बनाने वक्त आपको लाइंस जैसे फ्लो चार्ट में ऐड करनी होती है, किसी भी चीज में ऐड करनी होती है, तो ऐसे कनेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो कैनवस का एक फायदा तो होता है कि ये शेप्स को ग्रुपिंग कर देता है, दूसरा फायदा होता है कि आप कनेक्टर्स वगैरह यूज कर सकते हैं और इनको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और एक साथ कहीं पर भी इसको मूव कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होता है आपका कैनवस वाला, जो कि आपका इंसर्ट में शेप्स में यहां पर न्यू ड्राइंग कैनवस वाले ऑप्शन में आता है। तो ये था हमारा न्यू ड्राइंग कैनवस। अब ये शेप्स आपको बता दी मैंने, राइट क्लिक करने से जो ऑप्शन आते हैं वो बता दिए हैं। अब जब भी हम कोई शेप बनाते हैं तो ऊपर टूल बार आता है, तो उस टूल बार को सीखते हैं हम कि टूल बार में कौन कौन से टूल्स हैं, उनका क्या क्या यूज है। ठीक है, अभी मैं इसको कैनवस वाली जो शेप है इसको क्लिक करके मैं डिलीट कर रहा हूं। उसके बाद हम इंसर्ट में गए, यहां से हमने कोई भी शेप ली, फॉर एग्जांपल मैं ये शेप ले रहा हूं, ठीक है, ये शेप ले ली मैंने, इसमें भी येलो कलर का पॉइंट है, इससे आप इसको शेप को ऐसे राउंड कर सकते हैं, ठीक है, या इसके कॉर्नर जो है थोड़े से रेडियस इसकी कम कर सकते हैं ताकि वो ऐसे दिखे। अब जब भी हम कोई शेप बनाते हैं तो आपके पास यहां पर ये ऑप्शन आएंगे, ठीक है, इनमें ये वाला ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, अभी जो हमने किया है वही है सेम ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहां पर एडिट शेप, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सभी शेप्स में नहीं चलेगा, ये ऑप्शन वहां पर चलेगा जहां पर आपने लाइन से या कोई कर्व से इनसे अगर आपने कोई शेप बना रखी है तो वहां पर ये काम करता है, जैसे कि मैं आपको इसको करके दिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये पॉली लाइन ले ली, ठीक है, ये सॉरी फ्री फॉर्म वाला ये टूल ले लिया आपने और इससे आपने कोई शेप बनाई, जैसे अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इंसर्ट में जाकर शेप में जाकर और मान लीजिए मैंने ये वाली जो फ्री फॉर्म वाली शेप है ये ले ली और यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको शेप को बना रहा हूँ, ठीक है, क्लिक क्लिक करके भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको क्लिक ऐसे खींच कर पेंसिल की तरह भी इसको बना सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर जहाँ पर आपने स्टार्ट करा था वहाँ पर मिला देंगे तो ये शेप बन जाएगी, तब आपका ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा एडिट शेप। अब इसका फायदा क्या होता है, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट पॉइंट्स लिखा आएगा, एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करने के बाद आपके पूरी शेप में जितने भी जहाँ जहाँ पर भी पॉइंट होंगे तो वो आपको ये शो कर देगा और आप उन पॉइंट्स से इसको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर क्लिक करके इसको इधर सरकाना चाहता हूँ
और इसको थोड़ा सा और उधर करना चाहता हूँ, तो जैसे भी आप इसको पॉइंट्स को सरकाना चाहते हैं वैसे सरका सकते हैं, मूव कर सकते हैं और शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एक कैनवस में काम आएगा जहां पर आपने कनेक्टर ऐड किए थे। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ये तो था एडिट पॉइंट्स वाला ऑप्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इंसर्ट में शेप में न्यू ड्राइंग कैनवस ले लेंगे। ठीक है, एक कैनवस आ जाएगा यहां पर, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ठीक है, ये कैनवस आ गया, इसको थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं यहां से। ठीक है, ये कैनवस आ गया, इसमें हम शेप ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने ये शेप ले ली एक। ठीक है, और एक कोई और शेप ले लेते हैं, ओके। और इसको फिर उसी एल्बो कनेक्टर से, ये जो शेप थी हमारी, इससे हम कनेक्ट कर देते हैं इनके पॉइंट से। मान लीजिए आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो आप देखेंगे यहां पर ना कनेक्टर के दो रेड कलर के पॉइंट आ रहे हैं दोनों एंड्स पे। ठीक है, इन रेड कलर के पॉइंट से आप क्लिक करके इसको रीअरेंज कर सकते हैं कि आपने इसको कनेक्ट कहीं और करना है, इस पॉइंट से करना है, ठीक है, या फिर नीचे वाले पॉइंट से करना है, ठीक है, या कहीं से भी आपने इसको कनेक्ट करना हो तो आप इसको उस पॉइंट पे ले जाकर और छोड़ सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा और आप किसी भी शेप को मूव करेंगे तो ये उसके साथ साथ जाएगा। तो ये तो है कि आपने किसी भी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट जो रीसेट होता है, बाय डिफॉल्ट यानी कि स्टार्टिंग में ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है, वैसा हो जाए, ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एडिट शेप में जाएंगे तो आपका ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, री राउट कनेक्टर्स। ठीक है, री राउट कनेक्टर्स में क्लिक करके, और यहाँ पर आपका ये क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट जो पॉइंट्स होते हैं उनको कनेक्ट कर देगा। मान लीजिए आपने इसको उठाकर और कहीं और कनेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रीराउट कनेक्टर कर सकते हैं। तो रीराउट कनेक्टर करने से ये उस कनेक्टर की जो पोजीशंस है उनको रीसेट कर देता है। तो ये ऑप्शन होता है आपका रीराउट कनेक्टर्स। उसके बाद मैं इस शेप को डिलीट कर रहा हूं। उसके बाद हमने एक और शेप ले ली यहां से, मान लीजिए मैंने ये वाली शेप ले ली, फिर ऊपर से यहां पर टूल बार आ गया, तो इसके अंदर जो ऑप्शन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद यहां पर ऑप्शन आता है एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट वाला वही ऑप्शन है कि आप यहां से राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट कर सकते हैं, नहीं तो एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद किसी भी शेप में कर्सर आ जाएगा और आप उसको टाइप कर सकते हैं। अब जैसे ही आप किसी शेप में टाइप करते हैं तो टेक्स्ट को टाइप करने के बाद आपके पास यहां ऊपर टूल बार में ये चार ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पे क्लिक करके आप एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं कुछ भी। उसके बाद आता है टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करके आप किसी भी शेप के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद है क्रिएट लिंक। क्रिएट लिंक का मतलब क्या होता है, अभी जैसे मैं इस शेप को क्लिक करके इसकी बाउंड्री पे और डिलीट कर रहा हूं इसको, और हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ये वाले टूल्स आपके तब आएंगे जब आपका किसी शेप पे क्लिक होगा। अभी मैंने मान लीजिए एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लिया है। अब जो इसके अंदर मैटर है, मान लीजिए मैं इसके अंदर बहुत सारा मैटर लिख रहा हूं, अब ये मैटर जो आगे एक्स्ट्रा लिखा गया है वो इस शेप के अंदर छुप गया है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि वो मैटर जो इससे शेप से बाहर हो गया है वो इसके अंदर ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे और जिसके अंदर, जिस शेप के अंदर हमने लिंक करना है उस शेप को क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, इस शेप का जो बचा हुआ मैटर था, जो फालतू मैटर था, वो इस शेप के अंदर ऐड हो गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन दोनों का लिंक ब्रेक करना चाहते हैं, जो आपकी सोर्स यानी पहले वाली शेप थी उस पर क्लिक करके आप ब्रेक लिंक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सेकंड वाली जो शेप है जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट चला गया था उससे ये वापिस पहली वाली शेप में आ जाएगा। तो पहली वाली शेप में क्लिक करके मैंने कर दिया ब्रेक लिंक, तो इससे क्या हो गया, इस शेप में जो टेक्स्ट था वो हमारा वापिस इसके अंदर आ गया। तो इस तरीके से आप क्रिएट लिंक और ब्रेक लिंक कर सकते हैं, इनसे आप दो तीन टेक्स्ट बॉक्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर रहा हूं और इसको भी डिलीट कर रहा हूं। उसके बाद फिर मैंने इंसर्ट में शेप में क्लिक किया और यहां से मैंने कोई शेप ले ली, वही शेप ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे कलर के, तो इसमें से आप कोई भी कलर का स्टाइल लेना चाहें वो ले सकते हैं। जिस भी कलर के स्टाइल पे आप पॉइंटर ले जाएंगे तो ये आपको वहां पर दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये ब्लैक कलर का स्टाइल ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप वही तरीका यूज करेंगे, राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट, और इसके अंदर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के पर्पज से इसका यूज करते हैं कई बार, तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा हो जाए तो एक बार पॉइंट छोटा कर दीजिए। उसके बाद इसको सेंटर में करना है तो कंट्रोल ई,
इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को इसके अंदर ऐसे दिखा सकते हैं। तो जैसे एडवर्टीजमेंट में आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी टेक्स्ट होता है वो ऐसे ऐसे लिखा होता है, आप उसको उठाकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं, शेप पे आपको क्लिक करना है और उसको ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कई डिजाइन्स में देखा होगा कि इस तरह के लोगो या फिर इस तरह के जो बैनर हैं उसके ऊपर हेडिंग्स लिखी होती हैं, तो आप इनमें से कोई भी स्टाइल लेंगे तो उस स्टाइल के हिसाब से ये इसको सेट कर देगा। तो जो भी आप क्लिक करेंगे वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आप ये स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी शेप पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास वही ऑप्शन आता है ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार। इससे क्या होगा, ये सारा जो हमारा गैलरी है ये ऊपर वहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगी, और फिर आप उसको हटाना चाहते हैं तो वहाँ पर राइट क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये थे आपके कुछ स्टाइल्स जिसको कहते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल्स। तो उसके बाद आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है शेप फिल, यानी शेप के अंदर आपने कौन सा कलर, कौन सा टेक्सचर या पिक्चर या कुछ भी फिल करना है। ठीक है, ये इनमें जितने भी आगे ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से मोस्टली ऑप्शंस मैं आपको पिक्चर टूल्स वाले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, तो वहां पर आप उसको क्लिक करके और वो वीडियो देख सकते हैं और इन बाकी बचे हुए ऑप्शंस को सीख सकते हैं। वैसे फिर भी मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में, इन टूल्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो शेप फिल में जाकर मैं कोई भी कलर अगर सेलेक्ट करता हूं तो वो कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा शेप के अंदर। अगर मुझे कोई कलर नहीं लेना तो नो फिल पे क्लिक करेंगे। अगर मेरा जो फेवरेट कलर है वो इसके अंदर नहीं है इस पैलेट के अंदर, तो मैं मोर फिल कलर्स में जाऊंगा और यहां से कोई कलर क्लिक कर लूंगा, और ऐसे कस्टम में जाकर मैं यहां से भी कोई कलर बना सकता हूं और फिर ओके। तो उसके बाद ये कलर शेप के अंदर फिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पिक्चर, आप इसमें कोई फोटो ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं पिक्चर में जाकर। और मान लीजिए आपने कोई फोटो ऐड करनी है तो आप कोई भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फोटो सेलेक्ट कर ली, ठीक है, तो ये फोटो इसके अंदर आ जाएगी बैकग्राउंड में, यानी कि शेप के अंदर। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो नो फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रेडियंट, आपने जो भी कलर इसके अंदर फिल किया होगा, जैसे मान लीजिए आपने रेड कलर फिल कर दिया तो आपके पास ग्रेडियंट में रेड कलर की शेडिंग्स आएंगी। ठीक है, आप इनमें से कोई भी ग्रेडियंट सेलेक्ट करना चाहें, ग्रेडियंट होता है कलर की शेडिंग, तो इनमें से कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। नीचे आपके पास मोर ग्रेडियंट्स का ऑप्शन आता है, और ये जो ऑप्शन है मैं आपको पहले प्रीवियस बता चुका हूं कि आपने एक कलर लेना है तो यहां से एक कलर ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक कलर ले लीजिए। उसके बाद इसको आप डार्क लाइट कर सकते हैं। ठीक है, डार्क लाइट करने के बाद नीचे आपके यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे, यहां से आप ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करना चाहें वो कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा इसको आप मत चेंज कीजिए। यहां से आप स्टाइल ले सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में शेडिंग का स्टाइल लेना है, यानी कि ग्रेडियंट का स्टाइल लेना है। मान लीजिए आपने ये स्टाइल लिया और फिर कर दिया ओके, तो वो स्टाइल इसके अंदर फिल हो जाएगा डार्क या लाइट, जैसा भी आपको वहां पर दिखा रहा था। उसके बाद ग्रेडियंट में फिर हम गए मोर ग्रेडियंट्स में। उसके बाद आता है टू कलर, इसमें आप दो कलर अपनी मर्जी के मिक्स कर सकते हैं। यहां से आपने कलर सेलेक्ट किए, उसके बाद फिर से यहां से आप कोई भी डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्शन सेलेक्ट करने के बाद उसको क्लिक करके यहां से और ओके करेंगे तो वही स्टाइल इसके अंदर फिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मोर ग्रेडियंट्स में प्रीसेट। प्रीसेट का मतलब होता है पहले से जो बने बनाए डिजाइन है ग्रेडियंट के, वो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे वो प्रीव्यू दिखाएगा, और इसमें से आप अगर कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपने डायरेक्शन सेलेक्ट करी, आपको ये वाला स्टाइल चाहिए तो इसको क्लिक करके आपने ओके किया तो वो डायरेक्शन वाला जो ग्रेडियंट था वो यहां पर अप्लाई हो जाएगा उस कलर का। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहां पर जो ग्रेडियंट में ऑप्शन था मोर ग्रेडियंट्स, ये वाला ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टेक्सचर, इसमें आप कोई भी टाइल या फिर टेक्सचर वो फिल करना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो शेप के अंदर फिल हो जाएगा। और लास्ट में आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पर मोर टेक्सचर, मोर टेक्सचर में भी आपके वही टेक्सचर दिखेंगे, तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं और फिर ओके, तो वो इसके अंदर फिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका पैटर्न। पैटर्न पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन, दो सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएंगे कलर, तो यहां से आपने कोई भी कलर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे ये सिलेक्ट कर लिया, दूसरा आपने कोई कलर सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए ये वाला, तो आपका जो भी पैटर्न इसमें से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं बैकग्राउंड में वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पैटर्न सेलेक्ट कर लिया फिर ओके, तो आप देखेंगे कि शेप के अंदर वही पैटर्न फिल हो गया है।
तो इस तरीके से आप वहां से पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट का ऑप्शन, जैसे पिक्चर में हमने क्लिक करा तो सीधी ये पिक्चर की डायलॉग बॉक्स खुल जाती है, जिससे हम पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप इसमें पैटर्न में जाकर और लास्ट में यहाँ पर ऊपर जो पिक्चर टैब है इसमें भी क्लिक कर सकते हैं, और सिलेक्ट पिक्चर में जाएंगे तो सेम वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और इसमें भी आप बैकग्राउंड में कोई भी फोटो लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बैकग्राउंड में कोई भी फोटो लगानी है तो उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर ली तो ये फोटो हमारी इसके अंदर बैकग्राउंड में लग जाएगी। अगर आप कोई भी कलर नहीं करना चाहते, बिल्कुल इसको व्हाइट करना चाहते हैं, तो आप इसको व्हाइट कलर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, ये थे आपके मान लीजिए फिल वाले ऑप्शन, जिसमें मैंने आपको सारे ऑप्शंस बताने की पूरी कोशिश की है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन में आउटलाइन का कलर कैसा करना है, तो आप आउटलाइन का जो भी कलर करना चाहें उस कलर को आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नो आउटलाइन में आपका कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा शेप पे, और मोर कलर्स में आप कोई भी अदर कलर ले सकते हैं। वेट में इसकी मोटाई कर सकते हैं, मोटाई कितनी करनी है इसकी लाइन की, ठीक है। इसमें लास्ट में ऑप्शन है आपका मोर लाइंस। मोर लाइंस में जाकर आप यहां से लाइन की सेटिंग कर सकते हैं कि आपने कलर कौन सा लेना है, ठीक है। मान लीजिए कलर आपने कोई सिलेक्ट कर लिया, रेड कर लिया, और यहां से ये तो फिल का कलर है, फिल का कलर व्हाइट ही रहने देते हैं, ये फिल का कलर है। फिल इफेक्ट में आपके वही सिलेक्ट टेक्सचर और वही वाले ऑप्शन खुलेंगे, ठीक है। और यहां से आप ट्रांसपेरेंसी फिल की कितना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कितना फीका करना है आपने अंदर का कलर वो कर सकते हैं। यहां से आपका बॉर्डर का कलर होगा, आपने मान लीजिए बॉर्डर का कलर यहां से सिलेक्ट कर लिया, और यहां से अगर आपने कोई डैश डैश वाला स्टाइल या कुछ सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। यहां से आप स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, ठीक है, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, सिंगल लाइन। और वेट में आप इसकी मोटाई को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको सेट करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका ये डिजाइन अप्लाई हो जाएगा। इसमें अगर आपने देखा हो कि वेट में मोर लाइन में जब हम जाएंगे तो नीचे यहां पर ऑप्शन होते हैं, ठीक है, एरो के ऑप्शन, तो ये वाले ऑप्शन आपके कब चलेंगे, जब आप कोई एरो लेते हैं, ठीक है। एरो लेने के लिए मैं इंसर्ट में वापस से यहां पर जा रहा हूं शेप में। यहां से मान लीजिए आपने ये वाली एरो ले ली और आपने यहां पर एक एरो बना दी, ठीक है, मैं इसको यहां पर बना देता हूं। अगर आप शिफ्ट के साथ इसको एरो को बनाएंगे तो ये सीधी लाइन आएगी। उसके बाद आपने इसकी कलर जो भी करना है कलर कर सकते हैं, इसकी मोटाई जो भी करनी है वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इतनी मोटाई कर दी। उसके बाद वेट में जब आप मोर लाइंस में जाएंगे तो एरो वाले आपके ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। ये बता रहा है कि आपका बिगिन स्टाइल, यानी कि स्टार्टिंग में लाइन के क्या आना चाहिए, एक लाइन डंडी आनी चाहिए या फिर कोई ऐसा पॉइंट आना चाहिए एरो वाला, तो वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बिगिन साइज, साइज कितना करना है, आपने जो स्टाइल अभी लिया है उसका साइज आपने बड़ा करना है तो यहां से क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ही यहां पर ये एरो है, आपने किस तरह की एरो आगे लगानी है वो ले सकते हैं एंड में, और एंड में एरो जो आपने लिया है उसका स्टाइल कैसा करना है वो आप यहां से ले सकते हैं। तो जो भी आपने स्टाइल सेलेक्ट किया और इसको किया ओके, तो वैसा वैसा यहां पर आगे, ये आगे है फ्रंट बिगिन और ये एंड है, तो यहां पर ये स्टाइल लग जाएगा। तो इस तरीके से आप वो एरो वाले ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद डैश वाला स्टाइल वही है, आप इनमें से कोई भी डैश डैश वाला स्टाइल लेना चाहें वो ले सकते हैं। मोर लाइंस में आपके वही ऑप्शन आएंगे जो मैं आपको बता चुका हूं, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। उसके बाद एरो वाले ऑप्शन भी आपके वही है कि आप इनमें से कौन सी एरो इस लाइन पर लगाना चाहते हैं। एरो वाला ऑप्शन आपका लाइंस पे चलेगा, किसी शेप पे नहीं चलेगा, तो आप इसमें से यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर लाइंस में आपके वही ऑप्शन आएंगे जो मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका पैटर्न। अगर आपने लाइन के अंदर पैटर्न भरना है तो पैटर्न में जाकर आपको दो कलर चूज करने हैं, कोई भी आप दो कलर सिलेक्ट करके और जो भी पैटर्न इसके अंदर भरना चाहते हैं वो क्लिक कर दीजिए और फिर ओके, तो उस लाइन के अंदर वो पैटर्न फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाइन के अंदर पैटर्न फिल कर सकते हैं। लाइन को अगर नॉर्मल बनाना है आपने तो सब कुछ आपको नॉर्मल करना पड़ेगा, यानी कि एरो में भी आपको प्लेन लाइन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, और पैटर्न की बजाय आपको सिंपल कोई कलर फिल करना है तो वो आपकी लाइन जो है सिंपल हो जाएगी। अगर आप लाइन को मूव करना चाहते हैं इधर उधर तो उसके पॉइंट से आप इसको क्लिक करके बाद में भी मॉडिफाई ऐसे कर सकते हैं, दोनों साइड इसके पॉइंट्स होते हैं तो आप इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ये तो थे आपके शेप आउटलाइन के ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका चेंज शेप। ये ऑप्शन आपका लाइन पे नहीं चलता, तो हम सबसे पहले लाइन को हटा रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका शेप पे चलता है, तो आपने जब बंद शेप ले रखी होगी कोई, उस पर मैंने डबल क्लिक किया तो आपका ये ऑप्शन चलेगा। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री ये लिखा हुआ है और इस शेप में ये स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूं कि इसकी शेप बदल जाए लेकिन इसका स्टाइल ऐसा का ऐसा रहे, जो ये डॉट डॉट वाला स्टाइल है या कलर है जो भी है,
अगर मैं चाहता हूं कि स्टाइल ऐसा कैसा रहे लेकिन शेप बदल जाए, तो उसके लिए आपको चेंज शेप में जाना है, और यहां से कोई भी शेप आप क्लिक करेंगे तो वैसा वैसा इसके अंदर स्टाइल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, तो ये गोल हो जाएगा। कोई भी शेप आप सेलेक्ट करेंगे, कोई भी शेप यहां से सेलेक्ट करेंगे तो उसी शेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसका साइज और स्टाइल वही रहेगा लेकिन शेप बदल जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये चेंज शेप वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसमें भी शेप पर राइट क्लिक करेंगे तो ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार वाला ऑप्शन आएगा, जो मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद यहां पर टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल के साइड में यहां पर कॉर्नर पे एक पॉइंट दिया हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएंगे जो कि एडवांस्ड ऑप्शंस हैं, कलर के, लाइन के, साइज के, ठीक है, लेआउट के। इनमें से कुछ ऑप्शन मैं आपको पिक्चर टूल्स में बता चुका हूं, तो इसको मैं यहां पर रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको एडवांस्ड जो शेप के ऑप्शंस हैं वो बताऊंगा, इंक्लूडिंग दिस वन। सो उस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, तो अभी के लिए हम इसको स्किप करेंगे। उसके बाद यहां पर आता है शेडो इफेक्ट, ठीक है। अभी मैं इसको शेप को थोड़ा नॉर्मल कर लेता हूं, तो शेप मैंने चेंज शेप में जाएंगे हम, और इसको ना सिंपल बॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और आउटलाइन भी इसकी सिंपल कर लेते हैं, डैश नहीं करते, ठीक है, और इसके अंदर कलर फिल कर लेते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए ये कलर फिल कर लिया। उसके बाद शेडो इफेक्ट में क्या होता है, आपके शेप के पीछे शेडो देना, तो कोई भी शेडो का डायरेक्शन करिए और आपकी उस शेप के पीछे शेडो लग जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ये शेडो क्लिक कर दी, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पीछे शेडो आ गई है। अब इस शेडो को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए यहाँ पर आपके पास बटन दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ से आप इसको क्लिक करके ऊपर ऊपर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शेडो ऊपर हो गई है। अब मैं नीचे वाला बटन दबा रहा हूँ, अगर आप इसको दबाए रखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसको आपको बार बार क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, बार बार आप क्लिक करेंगे तभी ये नीचे ऊपर जाएगी, तो आपको बार बार क्लिक करना पड़ेगा, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका यहाँ पर शेडो कलर लास्ट में, तो शेडो कलर आपने कौन सा करना है वो कर सकते हैं। जैसे आपको थोड़ा ब्लू शेडिंग देनी है तो आप ब्लू कलर ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, कोई भी कलर आप जो शेडो का देना चाहें वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं और शेडो इफेक्ट लगा सकते हैं। शेडो को ऑन ऑफ करने के लिए बीच वाला बटन है, इसको अगर आप ऑफ करना चाहें ऑफ कर सकते हैं, विदाउट शेडो आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं, या इसको ऑन करके शेडो लगा के फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये शेडो वाले ऑप्शन काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है 3D इफेक्ट। 3D इफेक्ट भी आपको मैं फोटो वाले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, इंसर्ट पिक्चर वाले वीडियो में, आप वहां पर भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसको यहाँ पर फास्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप इसको किसी भी डायरेक्शन का, किसी भी साइज का जो 3D इफेक्ट है वो दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस पर कोई भी क्लिक कर रहे हैं, आप क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट वैसा का वैसा रहेगा, तो आपको ऐसा 3D इफेक्ट अप्लाई करना है जो आपके इस पर टेक्स्ट पे इफेक्ट ना डाले, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो आपका जो पीछे जो शेप थी वो एक 3D लुक में आ जाएगी और आपका टेक्स्ट वैसा का वैसा रहेगा। उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन है 3D का कलर कैसा करना है, तो आप 3D का कलर कर सकते हैं, रेड करना है, जैसे आप देख सकते हैं वहां पर शेप में जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे वो कलर हो जाएगा। अभी मैं इसको एज इट इज रख रहा हूँ। डेप्थ का मतलब होता है इसकी मोटाई, जो पीछे इसका 3D का लुक है उसकी मोटाई कितनी करनी है आपने, तो वो मोटाई आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद डायरेक्शन आपने कैसे करनी है इसकी, नीचे ऊपर दाएं बाएं, तो ये आप डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे इसमें दो ऑप्शन और भी हैं, पैरेलल का, पर्सपेक्टिव का, तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें इसमें पैरेलल ही आपके 3D के जो डायमेंशन है वो आएंगे, और अगर पर्सपेक्टिव करते हैं तो वो थोड़ा सही आएगा, ठीक है। उसके बाद लाइटिंग में आप लाइट अगर सामने से डाल लेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसा दिखेगा, तो जैसे भी आप लाइट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वैसा आपको वहां पर दिखा देगा। डिम लाइट करनी है, ब्राइट करना है, नॉर्मल करना है, ये सभी ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, जो भी आप क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा, आप क्लिक करके देख लेना इसको। उसके बाद सरफेस में मेटेलिक सरफेस चाहिए, प्लास्टिक वाला चाहिए या मैट वाला। मैट वाला बाई डिफॉल्ट होता है, यानी कि नॉर्मल। अगर आपने कर दिया प्लास्टिक तो इसमें थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पर व्हाइट कलर की लाइनिंग्स आ जाती हैं, जिससे ये आपको प्लास्टिक टाइप दिखेगा, ठीक है, 3D वाला जो बॉक्स है या कोई भी शेप। अगर आप इसको मेटल कर देते हैं तो मेटल की लुक में आएगा। उसके बाद अगर वायर फ्रेम करेंगे तो इसकी लाइनिंग शो करेगा। तो जो भी आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन थे आपके सारे 3D इफेक्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि चार ऑप्शन है, इसको आप ऊपर नीचे दाएं बाएं सरका सकते हैं, ठीक है, और इधर से इधर सरका सकते हैं, और बीच वाला ऑप्शन है आपका 3D इफेक्ट को ऑन ऑफ करने का, तो यहां से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन थे आपके 3D इफेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद पोजीशन वाला ऑप्शन मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, पिक्चर ट्यूटोरियल में, एडवांस ऑप्शंस में भी बता चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पर MS वर्ड में वो लास्ट वाले ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, इंसर्ट पिक्चर वाले, उसमें मैंने इसके
एडवांस्ड ऑप्शंस सारे बता रखे हैं, तो आप वहां पर देख सकते हैं। मैं इसको यहां पर रिपीट नहीं कर रहा बार बार, क्योंकि बार बार वही ऑप्शन रिपीट करने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। अच्छा, उसके बाद वैसे मैं बता देता हूँ, नॉर्मली बता देता हूँ आपको इसकी शेप की पोजीशन पेज पर कहाँ करनी है, तो वो आप जो भी पेज का एरिया यहाँ सेलेक्ट करेंगे वहीं पर इसकी पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक आपके तब चलेंगे जब आपने दो तीन शेप्स ले रखी हो, तो वहां पर आप इसको आगे पीछे सरकाने के लिए, जैसे ब्रिंग टू फ्रंट होता है, मान लीजिए आपने तीन शेप ले रखी है, तो ब्रिंग टू फ्रंट से आप किसी भी शेप को बिल्कुल फ्रंट में लगा सकते हैं। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड से एक एक शेप से आगे आगे कर सकते हैं, और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके आगे कर सकते हैं शेप को, और ऐसे ही ये उल्टे होते हैं। सेंड टू बैक से तीन शेप्स में जो सबसे ऊपर टॉप में शेप है उसको सबसे पीछे भेज सकते हैं, या एक एक करके पीछे भेजना है आपने तो सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, जो आपने टेक्स्ट या पैराग्राफ लिखा हुआ उसके पीछे शेप ले जानी है, तो आप उसको सेंड बिहाइंड टेक्स्ट को क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट ट्रैपिंग भी आपको मैंने बताई है पिछले वीडियोस में, तो आप वहां पर देख सकते हैं। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने इनलाइन विद टेक्स्ट कर दिया, तो आपका जो शेप है वो टेक्स्ट के अंदर लगा हुआ आएगा, पैराग्राफ के अंदर किसी लाइन में लग जाएगा। स्क्वेयर करेंगे तो उस शेप के चारों तरफ स्क्वेयर जगह खाली होगी, टाइट करेंगे तो टाइट हो जाएगा, यानी कि जहां जहां उसको टेक्स्ट को जगह मिलेगी वहां पर ये टेक्स्ट फिट हो जाएगा। बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वही है जो आपको मैंने यहां पर बताया, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, थ्रो वाला सेम है जो टाइट में होता है, थोड़ा सा मामूली सा फर्क है उसमें 1921। टॉप एंड बॉटम में शेप के ऊपर और नीचे लिखा आएगा, साइडों में कुछ नहीं लिखा आएगा। एडिट रैप पॉइंट से शेप के पॉइंट्स आप जहां जहां तक खींचेंगे वहां वहां तक टेक्स्ट हट जाएगा। ठीक है, और मोर लेआउट एडवांस्ड ऑप्शंस ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, तो आप वहां से उस वीडियो को देख के और ये ऑप्शन सीख सकते हैं। इसमें क्लिक करने से आपके पास ये ऑप्शन आते हैं बहुत सारे, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अलाइनमेंट में आपको लेफ्ट करना है राइट करना है, जैसे आप लेफ्ट कर देंगे तो शेप लेफ्ट में आएगी, ठीक है, सेंटर करेंगे सेंटर में आएगी पेज के, और राइट करेंगे राइट में, ऐसी टॉप में ऊपर होती है पेज के, मिडल करेंगे तो बीच में आएगी, बॉटम करेंगे तो नीचे, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली करेंगे तो इससे क्या होगा, ये मैं ऑप्शन आपको दोनों बता देता हूँ ये, क्योंकि हमारे बहुत ही काम आते हैं। ये मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ये दोनों ऑप्शन, और ये अलाइन टू पेज, पेज के हिसाब से हमने लेफ्ट राइट करना है, या मार्जिन के हिसाब से, या दो शेप्स आप सेलेक्ट करेंगे, दोनों शेप्स को आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, दो शेप बनाकर उनको आपने एक दूसरे के अलाइनमेंट में करना है तो वो कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइन से आपके पास यहाँ पर पेज में ग्रिड लाइंस दिखा देगा, अगर आप उसको ऑन करना चाहते हैं किसी पर्पज के लिए तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ करना चाहें तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ग्रुप वाला ऑप्शन है, इसको समझाने के लिए मैं इस शेप को थोड़ा साइड में कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसको उठाकर यहाँ पर कर दिया। उसके बाद ये जो ग्रुप वाला ऑप्शन होता है आपका, तब काम करता है जब आपके पास दो या दो से ज्यादा शेप्स होती हैं और आप उनको कंबाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंसर्ट में शेप से दो तीन शेप बना लेंगे जो भी हमने दिखानी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये शेप बना दी। ठीक है, एक शेप ये ले लेते हैं, इसमें कलर कोई भी भर लो, यहाँ से जैसे मैंने रेड कर दिया। उसके बाद फिर इंसर्ट में शेप से, और मैंने यहाँ पर एक स्टार ले लिया फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद इसका भी कलर यहां से चेंज कर लेते हैं, इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, और एक और शेप ले लेता हूं मैं, यहीं से ले लेते हैं, यहां से ऊपर से मान लीजिए मैंने ये वाली शेप ले लेते हैं। अब इसके अंदर हम कलर भर देंगे कोई भी जो भी आपने दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कलर भर दिया। इस शेप को पीछे ले जाना हो तो मैंने आपको बताया था कि, तो यहां से आप सेंड बैकवर्ड करेंगे ताकि एक शेप से पीछे ये शेप हो जाए, या फिर अगर आप सबसे पीछे ले जाना चाहते हैं तो सेंड टू बैक कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहां पर सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक शेप से ये पीछे चली जाएगी। तो मान लीजिए आपने तीन शेप से कोई भी लोगो या कुछ भी डिजाइन बनाया और आप चाहते हैं कि वो सारी शेप्स जो हैं वो ग्रुप हो जाए ताकि आप उसको इकट्ठा बड़ा छोटा कर सको या उसकी पोजिशन को चेंज कर सको, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन तीनों शेप्स पे जैसे पहली एक किसी शेप पे क्लिक करके फिर शिफ्ट बटन कीबोर्ड में प्रेस करके और बाकी बची हुई शेप्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे क्लिक करके, यानी कि हमारी पूरी सारी शेप्स जो हैं वो क्लिक होनी चाहिए और वो सेलेक्ट होनी चाहिए। तो इस तरीके से शिफ्ट बटन दबा के जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका ये ग्रुप वाला ऑप्शन हाईलाइट होगा,
क्योंकि ग्रुप वाला ऑप्शन बिना सेलेक्ट किए हाईलाइट नहीं होता। जैसे कि अगर आप यहां पर क्लिक करके देखेंगे तो ग्रुप वाला ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं है, लेकिन जब मैं शिफ्ट के साथ दो या तीन शेप्स को, कम से कम दो शेप होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा शेप्स को सिलेक्ट कर लूंगा शिफ्ट के साथ, उसके बाद आपका यह ग्रुप वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। तो इसके अंदर आपका ग्रुप वाला ऑप्शन होता है सबसे पहले, इसको अगर आप ग्रुप कर देते हैं तो ये जितनी भी शेप्स थी जिनको आपने सेलेक्ट किया था वो एक हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमानेंट एक हो गई है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं बाद में। और ग्रुप करने का फायदा ये होता है कि आप इनको जैसे भी बड़ा छोटा करेंगे तो सारी शेप्स बड़ी छोटी होंगी, जैसे मैं आपको ये छोटी बड़ी करके दिखा रहा हूँ, और आप इसको कहीं पर मूव करेंगे तो सारी शेप्स ही मूव करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि बाद में इसको अलग अलग करना है या किसी का कलर चेंज करना है तो आप सबसे पहले इसको यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे अनग्रुप पे क्लिक करेंगे और फिर इन शेप्स के बाहर क्लिक करेंगे खाली जगह में, तो ये दोबारा से अलग अलग हो जाएंगी और आप इनका यहाँ से कलर बदल सकते हैं जो भी आपने चेंज करना है। उसके बाद फिर से अगर आपको ग्रुप करना है, अब पहली बार तो आपने फर्स्ट टाइम तो क्या किया, सबको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया था, लेकिन जब आप एक बार किसी शेप्स को ग्रुप कर देते हैं उसके बाद उसको दोबारा से शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो चेंजिंग करनी है वो कर ली, अब ये शेप्स दोबारा से ग्रुप हो जाए तीनों की तीनों, तो उसके लिए आप किसी भी एक शेप पे क्लिक करके यहां से रीग्रुप वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप पहली बार ग्रुप कर देते हैं किसी शेप्स को उसके बाद ही ये ऑप्शन हाईलाइट होता है, तो रीग्रुप करने से क्या होगा, ये दोबारा से ग्रुप हो जाएंगे जितनी भी शेप्स पहले प्रीवियस टाइम पे ग्रुप हुई थी। तो जैसे ही मैं इसको रीग्रुप को क्लिक करूंगा तो बिना शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन ये रीग्रुप करने से सारी ग्रुप्स हो गई हैं दोबारा। तो इस तरीके से आप इन तीनों ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, ग्रुप, अनग्रुप या रीग्रुप का, और ये ऑप्शन तब चलेंगे आपके जब आपके पास दो या दो से ज्यादा शेप्स होंगी। उसके बाद अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और इसको वापिस यहां लगा देते हैं। उसके बाद इससे आप किसी भी शेप को रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है, तो रोटेट 90 डिग्री से राइट साइड में, रोटेट राइट 90 डिग्री से राइट साइड में 90 डिग्री पे रोटेट हो जाती है शेप, और लेफ्ट करने से लेफ्ट साइड में शेप रोटेट हो जाएगी। फ्लिप वर्टिकल करने से ऊपर से नीचे शेप पलट जाती है, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने से लेफ्ट से राइट में पलट जाएगी। तो शेप को पलटने के लिए इधर से उधर या ऊपर नीचे, तो उसके लिए तो ये दो ऑप्शन होते हैं, और अगर आपको रोटेट करना है तो ये ऑप्शन होते हैं। ठीक है, मोर रोटेशन ऑप्शन आपको मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, तो इसको मैं यहां पर दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। उसके बाद हाइट विड्थ अगर आपने बढ़ानी है इसकी, तो आप वो यहां से बढ़ा सकते हैं, हाइट बढ़ानी है या फिर विड्थ बढ़ानी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन थे आपके, और यहां पर ये एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास साइज से रिलेटेड ऑप्शन आएंगे जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आप वो सारे ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो एमएस वर्ड की सारी वीडियोस को देखिए, क्योंकि अगर आप सारी वीडियोस देखेंगे तो आपका कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके सभी के वीडियोस देखेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो आप मेरा कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी इस वीडियो के बाद एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट में जाके और वो वीडियो आप देखिए, ठीक है, ताकि आपको वो सारे ऑप्शंस आ जाएं। तो हाइट और विड्थ तो आप यहां से भी, इसके पॉइंट से भी इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइट और विड्थ इसकी शेप की चेंज हो जाती है। अभी इसको नॉर्मल करने के लिए शेप को, मैं यहाँ से 3D वाली जो ये इफेक्ट था इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, तो आपकी शेप जो है नॉर्मल हो जाएगी, और इस शेप को मैं क्लिक करके और डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली का मतलब क्या होता है। कई बार हमारे पास, जैसे कि अगर आपने फोटोशॉप वाला सॉफ्टवेयर नहीं किया हुआ और आपको कई फोटोज बनानी है, यहाँ पर कलर प्रिंटर भी है और आपके पास एक फोटो शाइनिंग वाला पेपर है, ठीक है, जो आपका फोटो प्रिंट निकालने में आता है, उसको ग्लोसी पेपर बोलते हैं, जब जिस पे आप फोटो निकालते हैं। तो आपके पास अगर प्रिंटर है घर पे कलर्ड और आपके पास वो फोटो वाला पेपर है, तो आप घर पे ही बैठ के 50 फोटोज बना सकते हैं, बहुत सारी फोटोज बना सकते हैं इसमें। तो उसका तरीका क्या होता है, उसके लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट में यहाँ पर शेप में ये शेप लेनी है, और इसको ऐसा लेना है कि आपकी ये जो साइज है वो प्रॉपर पासपोर्ट साइज जितना साइज दिखे, ठीक है, पासपोर्ट फोटो होती है जितनी, तो पासपोर्ट साइज फोटोज जितनी भी होती हैं उसका आपको अंदाजे से यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपने शेप फिल में और यहाँ पर पिक्चर में जाना है। पिक्चर में जाने के बाद आपको जिस भी फोटो को, 50 फोटो बनानी है जिसकी भी, उसको आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी 50 फोटो बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ठीक है, और उसके बाद इंसर्ट,
तो वो फोटो आपकी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब इस फोटो की हमने 50 फोटो बनानी है, लेकिन इसको क्या करना है, हमने कॉपी करना है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा साइज लग रहा है। ठीक है, अब इसकी कॉपी करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको कंट्रोल बटन दबाकर और ऐसे उठाकर ले जाएंगे तो इसकी कॉपी होती जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल बटन मैंने कीबोर्ड में प्रेस किया हुआ है और मैंने इसको माउस से ऐसे ड्रैग कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इन सब की कॉपी करनी है तो आपको इन सब को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट बटन प्रेस करके और सभी फोटो को एक एक बार क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। जब सबके ऊपर पॉइंट्स आ जाएंगे फिर उसके बाद आपने शिफ्ट को छोड़ देना है और फिर कंट्रोल बटन दबाकर और किसी एक शेप को क्लिक करके और नीचे ड्रैग करना है। ठीक है, तो इसकी कॉपीज हो जाएंगी। अभी मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप इसकी कॉपी करते जाएंगे तो आप बहुत सारी फोटोज बना सकते हैं। उसके बाद इनमें अगर आप देखेंगे तो गैप जो है ना वो बराबर नहीं है। ठीक है, ये देखिए इसमें ज्यादा गैप है, फोटोज में गैप बराबर नहीं है। गैप को बराबर करने के लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वाले ऑप्शन होते हैं। तो ऊपर वाली लाइन को मैं शिफ्ट के साथ ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने अलाइन में यहां पर किया डिस्ट्रीब्यूट। अभी हमारी शेप से ऐसे जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, यहां पर ये आइकन में दिखा रहा है कि शेप हमारी ऐसे है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहां पर बीच वाला जो गैप है सबका बराबर हो जाएगा। ऐसे ही इनमें नीचे वाले में भी शिफ्ट सिलेक्ट करके, शिफ्ट के साथ मैंने नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट कर लिया फोटोज की और फिर मैं यहां पर अलाइन में गया और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, आप देखेंगे कि सारी फोटोज जो है वो प्रॉपर स्पेस में आ गई है, यानी कि उनके बीच का जो स्पेस है वो बराबर हो गया है। आप वर्टिकली का यूज कर सकते हैं ऊपर और नीचे, अगर आपकी बहुत सारी लाइंस होती हैं, यानी कि तीसरी बार फिर कॉपी करेंगे तो आपको इस साइड वाली शिफ्ट के साथ ऐसे लाइन क्लिक करके और वहां से अलाइन में डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये दो शेप सेलेक्ट किए हैं, इसके लिए आपके पास कम से कम तीन शेप सेलेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैं ये करके दिखा रहा हूँ शिफ्ट, तो आपका ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो दो से ज्यादा शेप्स को आपको क्लिक करना होता है तब आपका ये ऑप्शन हाईलाइट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली करने से आप जितने भी शेप्स हैं उनके बीच का गैप जो है वो बराबर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोनों, तो ये आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस इजी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। Thank you.